एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट और पीटीवी पर नए आने वाले ड्रामा जिसका नाम है जांबाज। तो आइए इस ड्रामा की स्टोरी और कास्ट के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपको ड्रामा देखने से पहले पता होना चाहिए, ताकि आप इस ड्रामा को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर सकें। अमर यूसुफ की हदायतकारी में बनने वाली इस सीरीज़ के प्रोमोज रिलीज़ हो गए हैं। कहा जाता है कि ये 80 की दिहाई की हिट ड्रामा अंधेरा उजाला का सीक्वल है। ताहम हमने पहले मामले की इंक्वायरी की थी और प्रोड्यूसर्स के करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि ऐसा नहीं है। ड्रामा मोशन कंटेंट और ग्रुप एम ने तैयार किया है। जांबाज 13 नवंबर 2019 से हर बुध को शेड्यूल किया गया है। ये ड्रामा एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट और पीटीवी होम पर मुश्तरका तौर पर नशर किया जाएगा। इसका मतलब है कि हम पुलिस अफसर के किरदार में दानिश तैमूर को देखने से थोड़े दिन की दूरी पर हैं। दरअसल डायरेक्टर ने खुद थीम की इनफरादियत की वजह से इस प्रोजेक्ट को मुंतखब करने का एतराफ़ किया था। ड्रामा शाहिद डोगर ने लिखा और स्क्रिप्ट की निगरानी मुसन्नफ उमेरा अहमद ने की है। आमिर यूसुफ ने इंशाफ किया है कि उमेरा अहमद से मुलाकात के दौरान वन लाइनर सुनने के बाद उन्हें ड्रामा में फरोख्त कर दिया गया। इसके अलावा जो एएसपी जासम का किरदार अदा करेंगे। कास्ट में अरफान खुशात और कवि खान जैसे तजर्बाकार अदाकार भी शामिल हैं। ये दोनों इत्तेफाक से पुलिस ड्रामा अंधेरा उजाला का भी हिस्सा थे। सीनियर अदाकार राशिद फारूकी और अयाज सोमरू भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। इस ड्रामा में कोई चांदरक अदाकारा रीबा हबीब ने मरकजी किरदार अदा किया था। दानिश तैमूर का हालिया ड्रामा मेरा रब वारिस एक हिट था। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।